नमस्कार, मैं परवीन अलावत। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर टीवी। पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा पॉलिटिकल डिजास्टर चल रहा है। असमंजस की स्थिति पूरी तरह से कायम है और ये कायम भी की है। गठबंधन सरकार ने, भाजपा ने और जेजेपी ने, भाजपा के बारे में आप जानते होंगे कि कद्दावर मंत्री हैं अनिल विज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और उनके बीच में शीत युद्ध चल रहा है जो रशिया और अमेरिका के बीच में एक दौर में पूरी दुनिया में चलता था। और कुछ ऐसा ही जेजेपी में चल रहा है। शीत युद्ध तो नहीं कहेंगे, जेजेपी में तो पूरे मतलब मोर्चे की लड़ाई है, छिड़ी हुई है। रामकुमार गौतम है, दुष्यंत सिंह चौटाला को लेकर लगातार क्रिटिसाइज ही करते जा रहे हैं। हालांकि अब जेजेपी थोड़ी सी उन पर कड़ा रुख किया है और रामकुमार गौतम को नोटिस है, थमा दिया। लेकिन फिर भी सरकार होती है, सरकार चुनने के बाद जनता के हित में फैसला करे। लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोग जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं जनता पूरी तरह से आहत है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस है जो मुख्य विपक्षी दल है, उसके लिए रास्ता कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो गठबंधन सरकार है, वो आसान है किए जा रही है। इसी कड़ी में आज हमने शामिल किया है कांग्रेस के जिला प्रधान है दीपक धनखड़। यूथ कांग्रेस जो काफ़ी अहम कड़ी मानी जाती है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए काम करने के लिए, तो दीपक धनखड़ से हम पूछेंगे कि क्या वो अपनी राय रखते हैं हरियाणा में जो राजनीति भूकंप कहें, हड़कंप कहें, वो मचा हुआ है। दीपक, सबसे पहले आप अपनी प्रतिक्रिया क्या देंगे? जनता क्योंकि कह रही है कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज़ चल नहीं रही है, लगातार राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हैं लगा रहे हैं। आप जानते होंगे असेंबली में रामकुमार गौतम ने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी हरियाणा के राजनीतिक हालातों पर? बिल्कुल प्रवीण भाई, जो ये सरकार है ये बिल्कुल ही अस्थायी सरकार है, और जो हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो ये सरकार को चुन के भेजा था, ये इसलिए भेजा था कि ये जनता की हक की आवाज़ उठाएं, और इनका आपस में ही कोई संतुलन नहीं है। जैसा कि आपने बोला कि भाजपा सरकार में अनिल विज का और हमारे मुख्यमंत्री साहब का आपस में सीआईडी पे झगड़ा है, और हम अगर बात करें जेजेपी की तो उसमें ये रामकुमार गौतम का और दुष्यंत चौटाला का ये आपस में झगड़ा है, या आपस में ही अपनी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, और हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए इनके लिए कोई समय नहीं है और कोई भी नीति नहीं है। ये बताइए कि आप भी कई सालों से सक्रिय राजनीति में लगातार आप आगे बढ़ते ही जा रहे हो, जब पार्टी के विधायक ही अगर उसके बड़े नेता पर आरोप लगाने अगर शुरू कर दें तो क्या राजनीतिक मायने इसके निकाले जाएंगे? और राजनीति में ऐसा कब होता है जब पार्टी के विधायक ही पार्टी के बड़े नेता हैं उसके बारे में बोलने लगे? क्या क्या अपने एक्सपीरियंस से आप क्या कहेंगे? ये कोई वो नहीं है, इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। हाँ। और इनके विधायक ही जब अपने बड़े नेता पर सवाल उठा रहे हैं, हाँ, तो अनुशासन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, और ना ही प्रदेश की जनता के बारे में इनके लिए कोई नीति है। जैसे कि आप अब पेंशन के बारे में देखोगे तो पेंशन के बारे में दुष्यंत चौटाला ने वादा किया था कि 5100 रुपये सम्मान राशि हम बुजुर्गों को देंगे, हाँ, और वहीं 250 रुपये, केवल 250 रुपये बढ़ाने का काम किया। अगर ये कर ही नहीं सकते थे, हाँ, तो वायदे क्यों किए? ये लुभाने वादे किस लिए किए? हाँ। तो ये जो आपस में इनका जो अनुशासन है ना कोई तालमेल, तो ये बिल्कुल ही ख़त्म होने के कगार पे हैं। और आप आने वाले समय में देखोगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी, और जो हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए बहुत बढ़िया फैसले लेगी, वो चाहे आपका कर्ज माफी का हो, हाँ, और चाहे बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये हो। बिल्कुल, जैसे कि अब हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो बुजुर्ग हैं जो अपने यहाँ का कल्चर है, चौपालों में बुजुर्ग बैठते हैं, ओके पर चर्चा होती है, तो आप जब लोगों के बीच में जाते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, पेंशन का ना बढ़ना, बुजुर्ग हैं, इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या वो नाराज़ हैं सरकार से, या थोड़ा इंतज़ार करना चाहते हैं? वो पेंशन जो नहीं बढ़ रही है उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं, और आपके सामने चीज़ें हैं कैसे आपके सामने आ रही हैं? देखिए प्रवीण भाई, मैं अपने बादली हलका, मेरा परिवार है, हाँ, और मैं वहाँ पे आता जाता रहता हूँ, तो मैं जब भी बुजुर्गों से मिलता हूँ वो बहुत ही निराश हैं, और उनको ये चाहिए था कि जो वायदा किया, हाँ,
पहले उनको लुभावना वायदा दिया गया, उन्होंने खुद ही कहा था दुष्यंत चौटाला ने कि हम 5100 रुपये पेंशन देने का काम करेंगे, जो पूरा नहीं हुआ। तो बुजुर्ग बहुत ही निराश हैं और आने वाले समय में इसका खामियाजा दुष्यंत चौटाला को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और बताइए सर कि पूरे देश में ही जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग बिल्कुल कान सा पकड़ रहे हैं कि भैया बस जो राजनीति हिंदुस्तान में इस वक्त चल रही है और बिल्कुल लोग तौबा कर रहे हैं, तो ये बताइए कि मतलब राजनीति से जब लोग इतना थक चुके हैं, राजनीति पार्टी आपकी भी है तो लोग भरोसा करें तो किस पर करें? अगर कांग्रेस पर करें तो क्यों करें? आपकी और उनकी राजनीति में क्या फ़र्क आप मानते हैं? देखिए, जो ये राजनीति कर रहे हैं ये अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं और इसीलिए इनके विधायक इनसे नाराज हैं। और जो कांग्रेस राजनीति करेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो राजनीति करते हैं वो जनता के हित के लिए राजनीति करते हैं। इसीलिए मैं ये चाहूँगा अपने सभी युवा साथियों से, अपने प्रदेश के जितने भी सारी जनता से चाहूँगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे इसलिए विश्वास करें क्योंकि वो आपके हित की आवाज़ उठाएंगे और आपके लिए ही राजनीति में राजनीति करेंगे। और इसलिए मैं चाहूँगा कि सारे युवा साथी ज़्यादा से ज़्यादा भाई दीपेंद्र हुड्डा का समर्थन करें। ये कि जब भी अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ तो आप एक ही चीज़ के बोलते हैं कि जी हम तो कांग्रेस के जुड़े हुए लोग हैं, काफ़ी पुराना परिवार हमारा जुड़ा हुआ है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की नीतियों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपने कभी तक ये खुलासा नहीं किया है कि आप खुद की व्यक्तिगत राजनीति को कहाँ पे ले जाना चाहते हैं, आपकी खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है, एक बार ये स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रवीण भाई, मैं 2 बार हलका प्रधान बना युवा कांग्रेस का जी। और अभी मैं युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। हाँ। तो अभी मैं संगठन की राजनीति और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की नीति जी बादली हलके के हर घर में पहुंचाने का काम कर रहा हूं और आगे जो भी उनके दिशा निर्देश होंगे, जो भी वो बोलेंगे, जो भी वो मौका देंगे, हम वैसी राजनीति करने का काम करेंगे। आप सवाल को फिर से थोड़ा सा घुमा गए, मैंने आपसे पूछा कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत राजनीति में आगे बढ़ने की हर किसी की इच्छा होती है। खैर, यूथ कांग्रेस की तरफ से आप झज्जर जिले के युवाओं को और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश है वो देना चाहते हैं? मैं युवा कांग्रेस की तरफ से सभी जो मेरे युवा साथी हैं और जो मेरे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों ने हमेशा मेरे को आशीर्वाद दिया, युवा साथियों ने बड़े जोश के साथ हमेशा मेरा साथ दिया है, तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आने वाला समय कांग्रेस का है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार जो हरियाणा प्रदेश की जनता की हितों की लड़ाई लड़ेगी, ऐसी मजबूत सरकार काम करेगी, उनका ऐसी मजबूत सरकार आएगी और आने वाला समय कांग्रेस का है। आप मजबूत रहिए और ऐसे ही काम करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बात धन्यवाद। ये जिला प्रधान दीपक धनखड़ थे और कई बातों पर इन्होंने बेबाकी से अपनी टिप्पणी रखी है। हालांकि दुष्यंत सिंह चौटाला और बीजेपी को लेकर दीपक धनखड़ है काफ़ी आक्रामक है और दीपक धनखड़ ही क्या है, पूरी कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो गठबंधन सरकार पर काफ़ी आक्रामक हैं, क्योंकि इतना तो साफ है जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी गठबंधन सरकार ने वो बिल्कुल भी पूरी नहीं कर पा रही है। और ऊपर से जो सरकार है आपस में ही लड़ रही है, बीजेपी के लोग भी आपस में लड़ रहे हैं, जेजेपी के लोग भी आपस में लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं होगी कि बीजेपी और जेजेपी है वो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के नेताओं का ही कम से कम है काम है वो पूरी तरह से आसान कर रही है। और इतना तो साफ है कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति है, कभी भी कुछ भी है, होने वाला है, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये बयान तो दे ही चुके हैं, जिसके बाद लाजमी है कि जेजेपी के विधायक है, कांग्रेस के संपर्क में हैं, क्योंकि आने वाले समय में बड़े बदलाव हैं वो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया, नमस्कार।